सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अर चैनल। सो गाइज, आपको एक चीज़ बतानी थी क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि भाई हमारे बाइक का रेडिएटर काम नहीं करता NS200 का चलते वक्त। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी जो बाइक है ये अभी बंद है, इंजन बंद है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो फिल स्विच भी बंद है, और यहाँ पे से आपको एक नॉइज़ आ रही है। रेडिएटर काम कर रहा है बाइक का, और वो रेडिएटर काम क्यों कर रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ पूरा एक अच्छे से, क्योंकि जब बाइक ओवरहीट हो जाती है ना, जब मतलब उसका टेम्परेचर एक सर्टेन डिग्री से रीच हो जाता है, जैसे 100 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो बाइक का जो रेडिएटर होता है वो ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर देता है। तो वो बाइक को एक्चुअली पूरा ठंडा करने की काम करता है रेडिएटर। और फैन अभी घूम रहा है, जैसा आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देख रहे हो आप, मेरा ये जो माता जी की चुंदी है यहाँ पे हिल रहा है धीरे 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 धीरे, तो पंखे की हवा से हिल रहा है। तो फ्रेंड्स, रेडिएटर बिल्कुल काम करता है पल्सर NS200 का, RS200 का, बट क्या रहता है ना, जब वो टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच हो जाता है ना बाइक का, वो तभी काम करना स्टार्ट करता है, ऐसे काम करना स्टार्ट नहीं करता। तो प्लीज़ ब्लेम करना बंद करिए कंपनी को, कंपनी ने बहुत ही अच्छी बाइकें दिया है, रेडिएटर वगैरह सब काम करता है। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पंखा एक्चुअली लगा कहाँ रहता है, पंखा लगा रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे, वो देख रहा है लाइट। तो फ्रेंड्स, बहुत ही तेज हवा फेंक रहा है यहाँ पे, और वो है पंखा, मे भी आपको वर्क करके दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो वो है पंखा, वहाँ है उसके आगे रेडिएटर, तो वो इसलिए काम कर रहा है बाइक का रेडिएटर। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल काम करता है बाइक का रेडिएटर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में जिनका ऐसा लगता है कि बाइक का रेडिएटर काम नहीं करता। तो फ्रेंड, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।